so beautiful. They are birds or mammals? What do you think, guys? Birds or mammals? Bird. ये सर्दी है ना, मतलब ऐसे लगा लो आप लोग जो डीप फ्रीजर खोलते हैं ना बर्फ वगैरह निकालने के लिए, तो लाइक डीप फ्रीजर में वो डाल लो, ऐसे सर्दी है मेरा पूरा बुरा जो ना मुँह मेरा ठंडा ठार हो रहा है, हाथ मेरा, मैंने एक हाथ में ग्लव पहना एक हाथ में नहीं पहना, क्योंकि व्लॉगिंग करनी होती है, कैमरा वगैरह निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए जो है ना मैं हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोमिया सही मौसम ठीक होने लगी तो नहीं तुम्हें सही है ना। सो आज हम लोग जा रहे हैं एमिरेट्स मॉल जहाँ पर है पेंगुइन्स। ओ बंद हो गई, उसको लेंगे, इसको वापस ऊपर आ जाएंगे ना, हमने किए नहीं बड़ा तो, नहीं अच्छा ये वाला। आज मैंने ये वाला जंपर पहना, ये मैंने यहीं से लिया था दुबई से, तो हमें कैसा लग रहा है तो हमारा सफर आज यहीं से स्टार्ट होगा। लोकेशन हम लोगों ने मंगवा ली, कल काफ़ी लेट हो गया था लोकेशन की वजह से हमारी वीडियो भी पोस्ट नहीं हो पाई थी, तो मुझे बहुत दुख होता जब एक दिन में मेरी वीडियो नहीं आती, कि हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये देखो सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ कराटे बैठे चल रहे थे रिताज के। रिताज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रिताज, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एमिरेट्स मॉल, और आते ही ना मुझे सर्दी लगने लग गई है क्योंकि ये सारा बर्फ का बना हुआ है, मतलब यहाँ पे जो काफी सारा एरिया है। आ गया मेरे को तो भी सी गर्मी लग, सर्दी लग रही है, इसको ये नहीं पता कि यहाँ पे खाली वो एरिया है, वो आप ही समझे कि पूरा मॉल जो है ना वो बर्फ का बना हुआ है। चले जी फिर हम निकलते हैं अभी हमने मंजिल की तरफ। तो फाइनली आज हम बहुत अच्छे से पहुंच गए हैं, क्योंकि आप ही ने ना भाई को कॉल कर ली थी, तो इजीली हम लोग पहुंच गए। चलो निकलो 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 या मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ पेंगुइन से मिलने के लिए, और फाइनली 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 हम लोग पेंगुइन से मिलने लगे हैं। चल हम लोग जा रहे हैं स्की दुबई। स्की दुबई में क्या है, सारा जो है ना वो बर्फ का बना हुआ है, ठंडा ठंडा होता है नीचे, ऊपर है, ऊपर होगा नीचे, ये नीचे है ना, ग्राउंड फ्लोर पे होगा ना। बता दो प्लीज, मेरा भी स्की दुबई चेक कर लेना, इनके चेक करने के बाद मेरा भी। बिल्कुल आप ही के चैनल पे बनाया, मैं स्की दुबई जरूर जाना चेक करना। ओ भाई नहीं करो बेबी, क्या डरा रहे हो, नहीं जा रही लिफ्ट पे, क्यों क्या हो रहा है, नहीं खराब है, बंद है, मेरा दिल ऐसे होने लग गया। अभी तो है लिफ्ट माशाल्लाह कितनी बड़ी है ना, ये दुबई ग्राउंड फ्लोर पे है। अच्छा हाँ। सब ने जब बोल दिया तब आते आपको बोल भी रही है स्की दुबई, इसकी भी आप गलत बोल रही है, अभी याद कर लो स्की दुबई सही से। और इसके काम देखो क्या कर रहे हो, तेरे लिए वाइट शूज देख रहा हूं। नहीं बहुत महंगे होंगे ना, छोड़ दो कोई बात नहीं, कितने के हैं, 400 ग्राम, पागल हो गए हो, मैं तो ही वो 30-40 हजार के शूज पहनूंगी, कभी भी नहीं। ये यहाँ पे जा रहे हैं अपने लिए शूज देखने के लिए, ब्लैक वाले शूज कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये देखो ये वाले, ये इसका वो है ना, लेकिन हमें व्हाइट में चाहिए ना, ये इसका ना? वो व्हाइट वाले कलर, वो स्टार्ट की शू है ना, पूरा वो होता है ना लुक का है जैसे व्हाइट वाले, वो 400 ग्राम के जो मैंने शूज लेने, उसमें 30 ग्राम और डाल के मैं सोने की चेन ना ले लो। चलो अब लेकर दोगे आप, क्यों नहीं लेकर दोगे। और यहाँ देखो ये ड्रेसिंग कैसी लग रही है, वो वाला नहीं, ये क्रिसमस ट्री कितना बड़ा है, ये देखो कितना बिग ट्री है, ऊपर से देखो कितना प्यारा लग रहा है, क्रिसमस की डेकोरेशन हुई इतनी खूबसूरत लग रही है, वो देखो प्रिंटा कर रहे हैं। Let's go.
वैसे यहाँ पे पता चल रहा है क्रिसमस है, कितना प्यारा है डेकोरेशन हर जगह। देखो अगर ये एक ट्री भी लगाते तो कितना, मतलब कि देखो कितना अच्छा डेकोरेशन। वो देखो झूला, वहाँ चलो झूले में बैठ सकते हो क्या आप? रिताज गो 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 गो। फाइनली मैं जा रही हूँ और पेंगुइन मेकअप के लिए, और इसके साथ पूरी ये फुल पैकेज दिया हुआ है। बट ग्लव्स को निकाल के 6 पैकेज है और सिलेक्टेड ये आप मिल सकते हो। शुक्र है फाइनली हम मिल सकते हैं, लेकिन ये कि अलाउ नहीं है वहाँ पे, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ये कि बना ले। अगर बोलेंगे ना बेबी कैमरा एनी टाइम ऑन ही रखना, ठीक है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कैप्चर कर लेना। बाकी खैर आप मिल के तो आओ, रियलाइज तो करो उसको, ठीक है? कोई बात नहीं, जाए ना, अब क्या कर सकते हो, समझ भी नहीं। सब समझ आ जाएगी जब अकेले भी कभी जाओ, आपको समझ लगे थोड़ी, समझ रहे हो कि मेरे बिना क्या होता है। हाँ चले, से हम लोग जो ना पूरा पैकेज ले रहे हैं। पेंगुइन का शो है, पेंगुइन आप भी चलो ना। नहीं मैं ऑलरेडी हो गया, सुनो 7 पे करने है, 7:30 पे करने है। कैच द पेंगुइन, ओके आई एम सो हैप्पी, कैच ही करने देंगे। और लेकिन वो बर्फ में रहती है, बर्फ कहाँ से लाएंगे? अपने डी में रखते हैं, किसी में लाइट भी दी जाती है और वो टच भी करने देंगे। सपना पूरा हुआ, होमी का सपना पूरा, होमी का सपना पूरा हुआ। पेंगुइन पेंगुइन पेंगुइन। अकेले जा रही हूँ, ये इनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं जा रहा, क्योंकि टिकट काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं ही जा रही हूँ। यहाँ से जाओगे? चलो मैं साथ चलती हूँ। ठीक है, ये काफ़ी ऐसे रिंग सा बना हुआ, इससे ऐसे गोल गोल सा होके जाना। शो स्टार्ट होने वाला, उन्होंने बोला पहले ड्रेस चेंज करो, ग्लव्स पहनो, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा जो ना सर्दी होती है। चलो जल्दी चलते हैं, मैं खड़ी हूँ, ग्लव्स ले लेंगे, दिखा के ग्लव्स लेते हैं। तो यहाँ पे ये ग्लव्स पहन रही है, ये पकड़े आप, नहीं वो ड्रेस फिर भी पहन लो, अंदर बहुत सर्दी है, आपको दो दो पहनने पड़ेंगे अंदर। चलो अब उनका साइज बताओ कपड़ों का, जाके ले फोन ले जाओ। तो बाय बाय, ये लो। शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है, फोन ना वो टच नहीं चल रहा, भी शूज। तो यहाँ पे तो जो ना अभी ये जो ना अपने कपड़े इधर ही पहन लो, कपड़ों के ऊपर ही पहन लो, क्योंकि अंदर बहुत सर्दी होगी। ये रे पजामे, चले इनको ऐसे जा रही, पता नहीं मुझसे वीडियो अकेले बनेगी कि नहीं। चलो अपना ख्याल रखना, सही है आपके भाई। इधर तो बहुत सर्दी है, बिल्कुल बर्फ बर्फ सा हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा, बहुत सर्दी है, बर्फ बर्फ सा हो रहा है अंदर, बहुत प्यारा अंदर का, बहुत सर्दी हो रही है अंदर, बहुत ज्यादा। वाह, ये सारी एलिवेटरी वगैरह, आई थिंक यहाँ पेंगुइन आएंगे, यहाँ पेंगुइन का शो स्टार्ट होगा। हाँ इसी साइड पे होगा पेंगुइन का शो। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, मेरा फेस वे सब ठंडा हो रहा है यहाँ। क्या एक्टिविटी करने की आनी, मुझे कुछ आइडिया नहीं, टाइम पता नहीं क्या हो रहा है। काफ़ी बड़ा है अंदर से, और बर्फ इतनी स्लिपरी ना, मुझे चला भी नहीं जा रहा। जा रही हूँ पेंगुइन्स की तरफ, पेंगुइन का शो ना आई थिंक स्टार्ट होने वाला है, 7 बजे का टाइम था। तो मैं यहाँ पे किसी से पूछती हूँ, ये सब गेम्स वगैरह हो रही हैं यहाँ पर।
से हेल्प ली थी सिक्योरिटी से, तो मैंने बोला कुछ टाइम में पेंगुइन का शो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं अकेले कैसे इन्जॉय करूँ, तो बहुत मिस करी रोमी को, साथ होते तो अच्छा इन्जॉय होता, हेल्प हो जाती एक दूसरे के साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि तो ऐसा खुद ही जाती हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे तो अकेले कैसे करूँ। पहले चेयरलिफ्ट में बहुत डर लगता है, लेकिन शौक बहुत है बैठने का, देखती हूँ कोई साथ बैठ जाए तो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कि चलती है चेयरलिफ्ट पर बैठने। और फर्स्ट टाइम जो है ना मैं रोमी के साथ बैठी थी, नहीं फर्स्ट टाइम उमा के साथ बैठी थी, और सेकंड टाइम रोमी के साथ बैठी, थर्ड टाइम अकेले बैठ रही हूँ। मज़ा आ रहा है, स्केटिंग का भी आप स्केटिंग भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा सीन है, रुक गई है, दो तीन मिनट ऐसे ही रुकी हुई है। सो आई होप आप सब लोग मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे, और अब तेज हो गई है। उन्होंने इतनी कंपनी दी है, अब वो कह रहे थे कि वहाँ से घूमकर वापस इसी जाने के लिए वैसे ही करना है, और ऊपर पता नहीं क्या देखते हैं। यहाँ पर ना स्केटिंग हो रही है, मुझे स्केटिंग करने का बहुत शौक है लेकिन मुझे आती नहीं है, स्लिप हो सकते हैं, क्योंकि जो स्नो है ना वो काफ़ी स्लिपरी है, काफ़ी स्लिपरी है। स्केटिंग कर रहे हैं, और राइड मैंने सोचा है मैं ले लूँ अकेले, वो राउंड वाली होती है उसे बैठ कर लेते हैं, तो वन बाय वन करो। मैं लेने तो लगी राइड, लेकिन मुझे बहुत डर, अगर मैंने कुछ भी नहीं किया ना तो मुझे रोमी से बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए वन बाय वन कोशिश करी कि हर एक चीज़ को अचीव करें। मेरे साथ बनाया इन्होंने कवर करने के लिए, वो लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लाइक कमर में दर्द हो, या आपको जो है ना कोई मेडिसिन पे आपको, या कुछ भी ऐसा है, तो इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि पहले जो है ना आप लोग अच्छे से समझ लो, देख लो अगर आप लोग को बेटर लगता है करने के लिए। कर रहे हैं वीडियो बना से, वीडियो खाती नहीं जा रही थी, मुझे डर लग रहा है, आई एम स्केयर्ड, डर लग रहा है, मैं लेट के उठ के आ गई हूँ, पता नहीं कैसे होती तेज़ भी, पर इनको देखती हूँ इनको भी बहुत डर लग रहा है, तो एक बार इनको देखती हूँ कि इनको कैसे लगता है राइड लेकर, उसके बाद फिर मैं ट्राई करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक, नीचे अगेन चेयर लिफ्ट से, क्योंकि जो ना पेंगुइन शो का टाइम भी जो ना स्टार्ट होने वाला है। उफ,
चेयर में बैठ के बहुत मज़ा आ रहा है कि थोड़ा सा डर भी लग रहा है। इतनी सर्दी है ना, मतलब ऐसे लगा लो आप लोग जो डीप फ्रीजर खोलते हैं ना बर्फ का निकालने के लिए, तो लाइक डीप फ्रीजर में वो डाल लो, ऐसे सर्दी है बर्फ मेरा बुरा हो जाना, मुँह मेरा ठंडा ठार हो रहा है, हाथ मेरा, मैंने एक हाथ में ग्लव पहना एक हाथ में नहीं पहना, क्योंकि व्लॉगिंग करनी होती है, कैमरा वगैरह निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए जो है ना मैंने फिर इसी तरह से जो ना हाथ में निकाल लिया और अभी जब नीचे करने लगे हम डर चुकी है, अभी जा रही हूँ नीचे, प्रेगनेंट हो जाना स्टार्ट होने वाला है, जो है ना वो यहीं पर आएंगे, तो मैं पहले यहीं खड़ी होगी 10 मिनट पहले वेट कर रही हूँ, यहाँ पर आते हैं पेंगुइन्स, उनको देख सकते हैं टच कर सकते हैं, तो आई होप मैं वीडियो बना सकूँ, मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो में कैप्चर लिख कर लूँ आप सबके साथ शेयर करूँ, सो वेट कर रही हूँ। आने वाले हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, वो तो जैसे मतलब शोर करते हैं उस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, हम लोग बहुत एक्साइटेड उनको देखने के लिए, यहाँ से ना पेंगुइन आएंगे और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, एंड वी आर सो एक्साइटेड, और 3 मिनट्स आर लेफ्ट उनके आने के लिए, बहुत इंतज़ार है मुझे, आई एम सो हैप्पी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पेंगुइन को देखने के लिए, बहुत ज़्यादा, आर यू एक्साइटेड फॉर पेंगुइन? So yeah, king penguin, they are second large species, and gentoos is the third largest species. Okay, so what do you think, guys? Penguins, birds or mammals? It's soft, so beautiful. They are birds or mammals? What do you think, guys? Birds or mammals? Bird. Fish, maybe. Okay, guys, who agree they are birds? Please raise your hand, please. Birds. And for those guys who agree that they are mammals, please raise your other hand. Bird. Thank you both. No, they said I don't care. Our question, by the way, this is not, the question will be at the end of the marsh, right? So yeah, they can fly or not? No! Are you sure? Okay, please, Jin, show us your magic, please. If the penguin, they can fly or not? They are still right? As you can see, guys, penguins, yes, they cannot fly. Yes, thank you, Jin. So this we call it the lift behavior. So yeah, this guy, he teach the penguin how to lift the penguins, to check them. All right, so yeah, penguins, they cannot fly, but they can swim very, very fast. So they are flightless birds because they don't have wings. They have flippers, very, very strong flippers. So they can fly only, but underwater, yeah? Especially gentle penguins and these guys, like Krishma, they are fastest swimming penguin on the whole board. And they can swim as fast as a dolphin from 36 to 40 kilometers per hour. Ooh, very, very fast in the water. Yes? So what do you think, guys? Penguins, what do you eat? Fish. Thank you. A pig? Yeah, what do you eat? Fish. And? Shrimp. Shrimps, yes. And? Biryani. No biryani. See the fish? Oh, one round. So they eat fish, squid, krill. So they eat only soft seafood. And this gives us eyes to share with you. Not only just to entertain us and to take a nice memory with them, but also to share awareness. Most of the species now, they live in danger, which is mean their number in wild, they are decreasing. You know, plastic pollution, global warming, and overfishing. All of you guys went to the sea to swim. Sometimes we found plastic bags, plastic straws, and these guys, not only penguins, but many of marine animals, turtle, dolphin, they swallow plastic bags and plastic straws, then they're gonna die after. So please, guys, we can reduce, reuse, and recycle. To choose. Okay, these guys, I will ask the question, but don't raise your hand before I finish, okay? When I say go, you can go after, okay? Because if you raise your hand, when I ask the question, I will not choose you, right? Okay. I told you guys, on the whole planet, we have 18 different species of penguins, yes? Largest one, we call them emperor penguins. Alright, let's get you hot. चुके हैं, बहुत अच्छा लगा उनको देखकर, बहुत मजा आया। तो हमारा हो चुका है खत्म और मैं जाऊंगी बाहर।
बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको बोला कि उनको टच करना है, पर उन्होंने टच नहीं करने दिया। क्या उन्हें देख लिया इतने करीब से, पिक्चर ले ली, तो मेरे लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं थी। आई एम सो सो मच हैप्पी। तो फाइनली बहुत मज़ा आया पेंगुइन के साथ, और पूरी जो राइड थी बहुत इंजॉय किया मुझे तो बहुत, और इनको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। अच्छा, बहुत ज़्यादा मिस मुझे तो वीडियो में देख के इतने क्यूट से लग रहे थे ना, मैं कभी इतना वो नहीं हुआ, लेकिन वीडियो में देखा बहुत, तो है वो आप लोग को भी अच्छी लगी होगी और एंजॉय किया होगा आपने पेंगुइन को देख के। और हम तो इनसे तंग आ गए थे क्योंकि इनकी वजह से उनको मिलना था, और आज हम मुझे भी देख के ना बहुत खुशी हुई कि फाइनली इन्होंने मिल लिया उनसे ना, तो कितने प्यारे थे ना ऐसे क्यूट से, वो साफ सुथरे इतने थे, बहुत साफ थे, चमक रहे थे, ऐसे उनको सरफ से धो के ऑयल लगाया हुआ से शाइनिंग कर रहे थे। तो खैर, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी तो आंखों के सामने वही आ रहे हैं, मेरे को दारे में जब भी लग रहा है मैं बर्फ में हूँ, सर्दी लग रही है अभी भी बहुत। इन्होंने अपनी जैकेट मुझे अच्छा पहना दी थी, अंदर बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत हाथ पाँव ऐसे हो रहे हैं, ये हाथ पे मैंने ग्लव्स पहने नहीं थे इसलिए बहुत ज्यादा ना अभी भी ऐसे लग रहा है बर्फ बर्फ से। सो बर्फ बर्फ से बड़ी खैर, तब तक के लिए बाय। नीचे तक गया।